हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, हम लोग मार्केट से आ गए हैं। कल का वीडियो मैंने मार्केट पे ख़त्म किया था। अब हम लोग आ गए हैं घर, और घर आने के बाद में बच्चे बोले कि हम लोग आज खाना नहीं खाएंगे, हम लोग कुछ अच्छा खाएंगे। तो इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर पास्ता, क्योंकि बाहर सिर्फ आइसक्रीम खिला करके बच्चों को मैं लाई थी। तो ये देखिए, यहाँ पर पास्ते को मैंने बॉयल कर लिया है, और अब मैं निकाल रही हूँ इसको कढ़ाई से बाहर। तो ये देखिए, मैं निकाल लेती हूँ इसको। और पास्ते की वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट आज जो है स्पेशल पास्ता बनने वाला है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक, और देखते रहिए मेरे पास्ते की रेसिपी। और जो कुर्ते हम लोग खरीद के लाए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरीके के हम लोग खरीद के कर लेके आए थे। क्योंकि गर्मियों में, इस टाइम में गर्मियों के कुर्ते वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा, और मतलब इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन के कुर्ते जो हैं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इसीलिए ख़रीद करके ले करके आ गए थे। वैसे शॉपिंग करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि रिंकू को डॉक्टर के पास दिखाने के बाद में हम लोगों ने खाया आइसक्रीम, और इसके बाद में फिर हम लोग जो है आ गए घर। तो देखिए, वो जो कढ़ाई में पानी बचा हुआ था वो मैं फेंक देती हूँ, और अब हम उसी कढ़ाई में जो है मैं सोया बड़ी को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो ये सोया बड़ी को मैंने भिगो दिया था, बट ये जब तक हम लोग इनको हल्का बॉईल नहीं करते ना, तब तक जो है ये जो है मतलब अच्छे से होती नहीं है। तो ये देखिए कड़क है, अभी मैंने दबा करके देखी। तो अब हम लोग जो है, मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी पानी के साथ में, ताकि ये हल्का सा बॉईल हो जाए। और मैं पास्ता के साथ में इनको इसलिए नहीं डालती, क्योंकि इनका जो है अजीब सा टेस्ट आता है बॉईल होने के टाइम में, तो इसलिए पास्ता में मिक्स हो जाती है, तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो वही मैं इनको अलग से बॉईल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बॉईल करने के बाद में फिर हम डाल देंगे। और ये सॉस का बॉटल नया हम लोग लेकर के आए थे राशन के साथ में, तो ये वही खोल रही हूँ मैं, और खोल दिया है मैंने और साइड में रख दिया है। क्योंकि जो है सॉस का बॉटल हर महीने हम लोग लेकर के आते हैं, और एक महीना होने के बाद में मैं जो बचता है उसको फेंक देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खुला हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए, और सस्ता ही तो आता है, वैसे भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है। और इधर देखिए, मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं यहीं पर बात कर रही हूँ और यहीं पर पास्ता बना रही हूँ। क्योंकि खाना बनाते बनाते कॉलेज से आने के बाद में मैं खाना बनाते बनाते जिस जिस से बात करनी होती है ना, सबसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना बनाने के बाद में पढ़ाई का टाइम रहता है। तो यही देखिए, मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। तो देखिए, ऑयल जो है हमारा पास्ता में ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पास्ता जो है चिपकने लगता है, तो इसलिए ऑयल जो है हम लोग ज़्यादा डालते हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है सोया बड़ी को निकाल लिया है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। मैं चार चार पीस में इसको कट कर लूँगी। इसके बाद रिफाइंड ऑयल मैंने डाल ही दिया था, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर। और प्याज और टमाटर को जो है मैं साथ साथ में डाल देती हूँ। मैं इसमें शिमला मिर्च नहीं डाल रही हूँ, ना ही पत्ता गोभी, क्योंकि मेरे घर में शिमला मिर्च और पत्ता गोभी पसंद नहीं की जाती है। सब्ज़ी सिर्फ पसंद करते हैं, लेकिन पास्ता में कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ों को नहीं डालती हूँ। और अब हम इसमें प्याज और टमाटर जो है हमारा वो डाल देंगे सबसे पहले, और मैं स्पून लेकर के आती हूँ सबसे पहले, इसके बाद में फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, प्याज और टमाटर अब हम लोग इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, प्याज टमाटर अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना, और प्याज और टमाटर को मैं दोनों को साथ में डाल देती हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग इसमें प्याज टमाटर एक साथ में डालते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और रियली मैं, मेरे हाथ का पास्ता सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अब मैं इसको मंदी आँच में भून लूँगी।
देखिए प्याज टमाटर हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया बड़ी, हमने बॉईल की थी वो ठंडी हो गई। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दूंगी और सोया बड़ी को इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको निकाल करके और सोया बड़ी को डाल दूंगी। सोया बड़ी जो है ना रियली में चाइनीज़ फूड जो होता है ना उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और इधर हमारा दूध भी गर्म हो रहा है, सारे काम हमारे जो हैं साथ साथ में चलते रहते हैं और घर और बाहर के काम करने वाले लोगों का काम इसी तरीके से होता है। कौन कौन लोग घर और बाहर दोनों चीज़ें संभालते हैं कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि मतलब एक घर में काम करने वाली गृहिणी और बाहर पे काम करने वाले लोगों का मतलब दोनों चीज़ें एक साथ में हैंडल करना रियली में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कॉलेज से आने के बाद घर में भी देखना पड़ता है। और इसके बाद में अब हम लोग इसमें जो है मसाले ऐड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी तो मेरे लिए हेल्प है क्योंकि रिंकू है, और फिर भी घर और बाहर दोनों चीज़ें एक साथ में देखना बहुत मुश्किल का काम होता है। और मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल भी टाइम इतना नहीं मिलता है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और भगवान करे इसी तरीके से चलती रहे, मैं घर और बाहर दोनों चीज़ें इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में संभालती रहूं। और यही दुआ आप लोग भी कीजिएगा। तो देखिए मैंने नमक मिर्च हल्दी धनिया जितने भी मसाले हैं मैं तो ये कहूँगी सब कुछ डाल दें आप इसमें। और अब हम इसमें पैकेट देख करके आप समझ गए होंगे किस चीज़ का मसाला है, मैं नाम नहीं बताऊँगी। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं ये येल्लो वाला जो पैकेट पड़ा है, लोकल मार्केट में इस तरीके का मसाला मिलता है पास्ता मसाला करके, तो मैं उसको डाल दूंगी। और ये डालने के बाद में जब मसाला हमारा इतना प्यारा ये बन करके ये जो है तैयार होता है, और मम्मी ने फ़ोन रख दिया है, अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि हमारी कढ़ाई किस तरीके से दिख रही है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा मसाला जो है बन करके हो गया है तैयार। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा पास्ता बॉयल किया था हमने वो। और इस तरीके से आप पास्ता बनाएंगी ना रियली में मार्केट का पास्ता भी फेल हो जाएगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगी तो। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया सारा पास्ता जो मैंने बॉईल किया था, और ये देखिए। और इस तरीके से बनाया हुआ पास्ता ना रियली में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब हम इसमें दोबारा से मसाले ऐड करेंगे, जो जो मसाले हमने पहले डाले हुए थे आप उतनी ही क्वांटिटी में डालें, मतलब अंदाज के हिसाब से डालें कि आधा मसाला हमें पहले डालना है और आधा हमको बाद में डालना है। अब इस तरीके से मिक्स कर देंगे क्योंकि ऑयल मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ है इसमें, और ज़्यादा ही आप ऑयल डालें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ले ले करके आप जो है मिक्स करते जाएं, और ज़्यादा चलाना भी नहीं है इसको। और ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे कर करके इसको मिक्स करती जाऊंगी, और रियली में बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके का बना हुआ पास्ता। और अब हम इसमें जो है थोड़ा सा चलाने के बाद में जो जो मसाले हैं हमारे पास वो ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से जो है चलाएंगे इसको, तो मैं आराम से चलाऊंगी इसको। अब जो पैकेट हमारे पास है हम उसमें से वो जो पास्ता मसाला है वो पूरा पैकेट जो डाल देंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सांभर मसाला। मैं ये बोल रही हूँ कि जो जो गरम मसाले आपके पास में हैं सब कुछ आप इसमें ऐड कर दें और उतनी क्वांटिटी में डालें कि मज़ेदार बन जाए सारा कुछ बस। और इसके बाद डाल रहे हैं हम इसमें धनिया पाउडर, इसके बाद मैं डाल रही हूँ और नमक और मैगी मसाला पास्ता मसाला सब सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद इसको आराम से मंदी फ्लेम पर थोड़ी देर तक पकने दूँगी, और इसके बाद हमारा पास्ता जो है सर्व करने के लिए है तैयार। और देखिए देख देख करके ही लग रहा है कि कितना टेस्टी बना हुआ है, और रियली में बहुत टेस्टी लगा था ये पास्ता खाने में। तो देखिए मैं इस तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है, और बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है, आपको आई होप पक्का पसंद आई होगी। और अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे पास्ता मसाला, पास्ता मसाला जो है लास्ट में ही डालना है जब हम इसको उतारने लगेंगे तब। और इस पैकेट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला निकलता है और इसका टेस्ट ही पास्ते का चेंज कर देता है ये वाला मसाला। तो ये मसाला डालना कंपलसरी है कि ज़रूर ही हमको डालना है इसको। तो ये देखिए अब डाल करके मैं इसको मिक्स कर दूँगी, और अब हमारा जो है पास्ता सर्व करने के लिए है तैयार।
देखिए मैं अब इसमें सॉस डाल रही हूँ। सारा मतलब रेसिपी जो है मैंने आप लोगों को बताया, तो इसी के साथ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अब मैं आपको कुर्ते बताती हूँ। तो देखिए अच्छी लग रही है ना, और रियली में बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला कुर्ता। और इसमें यहाँ से देखिए डिज़ाइन दिया हुआ है, सिंपल सोबर पे है, और ये आगे से ऐसा प्लेटिंग वाला डिज़ाइन है। इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताइएगा। और ये झुमके भी दिए हैं, फुंदे भी थोड़े से लटके हुए हैं ये देखिए। और ये दुपट्टा बनारसी पे है और दुपट्टा बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि हमारा इसी तरीके का मज़ेदार वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय। बाय करो बेबी, बाय करो बेबी के कपड़े भी उतर गए। और ये देखिए मार्केट से आके आइसक्रीम पूरा खा के आ गए हैं और अभी बाय कर रहे हैं। बाय करो बेटा।